हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो बीच में व्लॉग जाने बंद हो गए थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी एंड फाइनली दोबारा एक बार निकल चुके हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे एंड इस बार हूँ मैं अपने कलीग्स के साथ एंड हम ऑफिस कलीग्स जा रहे हैं। हेलो, तो इनका इंट्रो मैं आपसे करवा दूँगा अभी एंड अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं एंड अभी अगर मैं बात करूँ तो हम हैं नेताजी सुभाष पैलेस के पास। अभी अभी हमने रामबाड़ी पुल क्रॉस किया है और हम भैया के साथ हैं, कैब बुक करी है हमने अभी जाने के लिए विधानसभा मेट्रो स्टेशन एंड वहाँ से हमारी बस है। तो डेस्टिनेशन मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊँगा एंड होपफुली व्लॉग्स आगे आते रहेंगे। डेस्टिनेशन मैं आपको बताऊँगा या तो जहाँ पर बस रुकेगी ब्रेक के लिए या फिर हम डायरेक्टली मिलेंगे सुबह लोकेशन पे। बट व्लॉग आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो डेफिनेटली बने रहना व्लॉग में और मिलते हैं आगे। तो गाइस फाइनली एक वॉल्वो मिली थी हमें और इस कहानी के पीछे बहुत बड़ी बसड़ है जो हुई है, ये मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली पहुंच के लोकेशन पे। इसके बारे में तो लोकेशन इसके बारे में पूरा एक अलग से अलग व्लॉग बन सकता है कि ये यहां तक आने तक क्या स्ट्रगल कर गया। तो लोकेशन ऐसी है कि हम लोग जा रहे हैं मनाली और मैं आया हूँ अपने कलीग्स के साथ। एक है मेरे साथ अश्विनी भाई जो कि हैं रोहिणी से और हैं हमारे साथ मनोज जी जो कि हैं पंजाबी बाग से। तो हम जा रहे हैं फाइनली मनाली और मनाली जाके आप लोगों से बात करते हैं क्योंकि इतना गंदा सीन हुआ है ना मैं अभी तो बता नहीं पा रहा। लेकिन मिड अप्रैल में मनाली जाने के क्या क्या नुकसान है मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ और मनाली पहुँच के बताता हूँ। फ़िलहाल एक फर्स्ट स्टॉप हमें मिल चुका है अम्बाला से थोड़ा सा पहले एंड हम रुके हुए हैं फिलहाल टेस्ट ऑफ इंडिया डोसा वाला तंदूरी चाय पे। तो सामने होल्डिंग आप देख ही रहे होंगे एंड कुछ ऑर्डर किया है खाने के लिए, तो देखते हैं एक बार खाना आ जाए एंड आपसे मिलते हैं अब सुबह मनाली में।
तो वेलकम बैक गाइस, बहुत ही सारा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली हम 5:40 पे पहुंच चुके हैं मनाली। एंड मनाली का टेम्परेचर इस टाइम बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही प्यारी सी ठंड हो रही है यहाँ पे, और पीछे आप मेरे व्यू देख ही पा रहे होंगे, तो ये व्यू है एग्जैक्टली अभी। तो अभी हैं हम न्यू मनाली वाले बस स्टैंड पे एंड कुछ अमेजिंग करेंगे वीडियो में फॉर श्योर, जैसा कि मैंने बताया था। तो मनाली सभी लोग आते हैं, अब यहाँ से हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ओल्ड मनाली को, क्योंकि हमारा स्टे भी वहीं पर है। तो आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं ब्लॉग में। सो वेलकम बैक एवरीवन, फाइनली होटल हम कल ही पहुंच गए थे, बट रेस्ट करना पड़ गया एज़ यू ऑल नो। 7:30 से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड मुझे थोड़ा सा जुकाम और हो गया है, तो वॉइस में चेंज है, उसके लिए सॉरी। तो फाइनली मैं आपको कराने जा रहा हूँ रूम इंट्रो, क्योंकि कल रात को नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो रूम एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया था ओल्ड मनाली में लिया है हम लोगों ने, एंड यहाँ पे बेस्ट स्टेज आप लोग ले सकते हो अगर मनाली आ रहे हो। तो मैं आपको सबसे पहले रूम से पहले दिखाता हूँ सामने का व्यू। ये हमें पूरी गैलरी मिली है जो कि हमारी पर्सनल है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रूम पे, तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ हमने कैसा लिया है और क्या उसके चार्जेस हैं, मैं अंदर आपसे डिस्कस करता हूँ। तो चलते हैं। तो ये है हमारे रूम की एंट्रेंस, एंड इस रूम में अगर हम आते हैं तो हमें ये मिला हुआ है एक डबल बेड यहाँ पर, और ये 3 चेयर्स हैं, ये टेबल है, ये हमें मिला हुआ है एक और बेड, और सामने से हमें मिल रहा है एक अल्टीमेट व्यू जो कि हमारी बालकनी का है, जो मैं आपको बाहर से ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ, राइट। एंड उसके बाद सेम प्रॉपर्टी में हमें मिलता है एक और रूम जो कि ये वाला है, इसमें भी एक डबल बेड है, राइट। तो हम 3 बंदे थे, हमने ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में एक रूम यहाँ पे मांगा था एंड हमें ये मिला है। यहाँ पे ये कबर्ड आपको मिल जाती है जो कि बहुत ही बड़ी कबर्ड है, ऑलमोस्ट जैसी घर पे होती है, अगर आप कुछ भी रखना चाहो इस कबर्ड के अंदर, राइट। एंड ये है इसका वॉशरूम, राइट। एंड इसमें गीजर बहुत ज़्यादा सही चल रहा है, मतलब पानी वगैरह की बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड सारी चीज़ें ठीक है। तो इस रूम की अगर मैं बात करूं तो इस रूम का चार्ज जो हमारा है दैट इज 2400 रुपीज़ फॉर 2 नाइट्स। फ्राइडे का हमारा चेक इन हुआ है जो कि कल था एंड आज भी हम यहीं पे रुकने वाले हैं, और संडे को हमने वापस जाना है, तो मंडे दिल्ली पहुँचेंगे। तो 2400 फॉर दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल रूम, मेरे को ही नहीं लगता ये सीजन का पीक है और आपको इससे अच्छी कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है इस प्राइस रेंज, राइट। तो फाइनली अब हम यहाँ से जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट करने, एंड ब्रेकफास्ट हम करेंगे नीचे ही एक कैफ़े में जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, डिनर भी हमने वहीं पे किया था। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने और मिलते हैं फिर आपसे ब्रेकफास्ट में। क्यों नहीं कर रहे? तो होटल के नीचे एग्जैक्टली एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने, और रेस्टोरेंट का एम्बियंस इज ग्रेट, लाइक इतना अच्छा रेस्टोरेंट है। हमने यहाँ पे डिनर भी किया था, बट जैसा कि मैंने बताया कल इतने ज़्यादा टायर्ड थे
एंड थोड़ा ऑफिस का काम भी था, बिल्कुल टाइम नहीं लग पाया शूट करने का, बट श्योर आज का डिनर तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। एंड आप एक बार कैफे का एम्बियंस देखो, मैं आपको राउंड अबाउट दिखाता हूँ इसका। तो कुछ ऐसा कैफे है, और पहाड़ों में खुली हवा में खाना खाने की जो बात है ना, वो तो फिर है ही अल्टीमेट, आप लोगों को पता ही है। तो ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है, दिखाएंगे आपको ब्रेकफास्ट में क्या है, एंड मिलते हैं फिर आगे। एंड कहाँ जाने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, फॉर श्योर। तो ब्रेकफास्ट डन, एंड मैं रुका था ड्रैगन एंड आइस रेस्टोरेंट पे, जो कि मनु टेम्पल रोड पे ही है, ड्रैगन चौक पे। एंड रिकमेंड कर रहा हूँ ये रेस्टोरेंट, क्वालिटी ऑफ फूड अगर चाहिए एंड डेली वाला टेस्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे आके खाना खा सकते हो। एंड अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है मनु टेम्पल। तो मनु टेम्पल पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो हम चल रहे हैं मनु टेम्पल की तरफ, एंड यहाँ से मनु टेम्पल है 400 मीटर पे, एंड एग्जैक्टली हैं हम ओल्ड मनाली की गलियों में अभी। तो यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिक मनाली देखने को मिलता है, जो हिमाचल का टेस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिशनल ऑथेंटिक हिमाचल एंजॉय करना चाहते हो, तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आज तक भी सारे ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं हिमाचल के। तो अभी हम हैं मनु टेम्पल में, एंड ये मनु ऋषि का जो है फर्स्ट टेम्पल था, एंड ये इकलौता टेम्पल है इंडिया में विच इज़ लोकेटेड इन मनाली। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर बना कैसा हुआ है। तो ये था मनु टेम्पल, बोर्ड आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर बेसिकली विष्णु जी के मच्छिंद्र अवतार ऋषि मनु पहली बार यहाँ पर मेडिटेशन करने आए थे, एंड उसी के लिए ये स्थल फेमस है। एंड ये मनु ऋषि का एक इकलौता टेम्पल है विच इज़ लोकेटेड इन ओल्ड मनाली। तो अगर ओल्ड मनाली आ रहे हो या मनाली आ रहे हो, तो इस प्लेस को ज़रूर एक्सप्लोर करो।
तो मनु टेम्पल से वापस आते टाइम रास्ते में आपको दिखेगा भंडार, जो कि एक लोकेशन है जहाँ पे मनु ऋषि अपनी ज्वेलरीज वगैरह रखा करते थे एंड वो यहीं पर रखी रहती थी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ भंडार एग्जैक्टली जो लोकेशन है ये। सो दिस इज़ बेसिकली एन अमेजिंग आर्ट फॉर्म जो कि यहाँ पर आपको दिखेगी एंड इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो मनु ऋषि हैं वो अपनी सारी की सारी ज्वेलरी रखा करते थे। तो जब आप मनु टेम्पल से वापस आते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे आपको ये लोकेशन मिल जाती है।